किसी भी देश के लिए रिपब्लिक या गणतंत्र होने का क्या मतलब होता है। इस बार हम 75th रिपब्लिक डे मनाने वाले हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए रिपब्लिक होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने 15th अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक की जर्नी को कैसे तय किया, कैसे भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बना, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। 15th अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, फिर 26 जनवरी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसके साथ ही साथ इस दिन हमारा देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश भी बना था। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक की जर्नी को समझने के लिए कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। आपको ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं लगेगी, बस थोड़ा बेसिक है, क्योंकि इसके बिना फिर ये जर्नी नहीं समझ पाएंगे आप। इसका पहला टर्म है कॉलोनी, यानी कि उपनिवेश। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दो देश हैं ए एंड बी। अगर ए देश का पूरा कंट्रोल बी पर हो, मतलब बी देश पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ए देश के हिसाब से चलता हो और सारे रिसोर्सेज जो है वो भी ए देश के अंडर में हो, तो उसे कहते हैं उपनिवेश। यानी कि बी जो है वो ए देश का उपनिवेश है, जैसे हम बहुत समय तक ब्रिटिश के उपनिवेश थे। फिर सेकेंड टर्म आता है प्रोटेक्टोरेट, यानी कि संरक्षित देश। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दो देश है ए एंड बी। बी जो है वो ए से छोटा देश है और उसके पास उतने संसाधन नहीं है, तो कुछ संसाधनों के लिए ए पर निर्भर होता है, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस। तो उन देशों को बोलते हैं संरक्षित राज्य। जैसे 1975 तक सिक्किम जो था वो भारत का संरक्षित राज्य था, 1975 के बाद ही सिक्किम भारत से जुड़ा। फिर तीसरा टर्म आता है डोमिनेंट। इसमें क्या होता है कि जो दो देश होते हैं ए एंड बी, उसमें बी का ए पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो दोनों ही देशों का सेम होता है। मतलब बी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हेड ऑफ स्टेट बी का है वो सेम होगा जो ए देश का होगा। बी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, लेकिन नाम मात्र के लिए वो देश जो है वो ए के अंडर में आता है। फिर सबसे लास्ट आता है इसमें सॉवरेन स्टेट। इसमें क्या होता है कि ए जो है वो एक अलग इंडिपेंडेंट देश है और बी जो है वो एक अलग इंडिपेंडेंट देश है, और दोनों ही देशों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। अब हम भारत के लिहाज से समझते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हम ब्रिटिश की डिपेंडेंसी थे, लेकिन उसके बाद फिर भारत आजाद हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी लागू हुआ था। अब ये क्या है ये भी बताती हूँ। तो आजादी के तुरंत बाद ही देश को कैसे चलाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अपने असेंबली में ये एक्ट पारित किया, जिसमें बताया गया था कि भारत अब स्वतंत्र देश बन गया है और जब तक भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता है, तब तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलेगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये भी लिखा था कि भारत की जो संविधान सभा है जो काम कर रही थी, वो कोई भी नियम बना सकती है। भारत की आजादी से पहले ही नवंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस सभा का काम था देश के लिए संविधान बनाना। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये लिखा गया था कि जो भी नियम ये सभा बनाएगी वो लागू होगा, और अगर ये सभा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को खारिज भी करती है तो उसे भी लागू किया जाएगा। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब संविधान जो था वो नवंबर में बनकर तैयार हो गया था, तो इसे लागू जनवरी में क्यों किया गया? वैसे तो इसका अपना एक अलग इतिहास है, लेकिन आसान भाषा में समझे तो 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और इसी दिन को रिपब्लिक डे के लिए चुना गया। हालांकि इसमें भी दो प्रावधान थे। उस समय संविधान में 395 आर्टिकल थे, उसी का एक आर्टिकल 394 ये कहता है कि संविधान के लागू होने का दिन जो था वो 26 जनवरी 1950 होगा, लेकिन कुछ आर्टिकल को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे, लेकिन ये काफी कम थे। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें दो प्रावधान थे। संविधान में 395 आर्टिकल थे, उसी का एक आर्टिकल 394 ये कहता है कि संविधान के लागू होने का दिन जो है वो 26 जनवरी 1950 होगा, लेकिन कुछ आर्टिकल को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे, लेकिन ये आर्टिकल जो थे वो काफी कम थे। तो पूरी तरह से भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इस तरह से हमने कॉलोनी से सोवरेन स्टेट बनने तक का सफर तय किया। अब थोड़ा ये भी समझते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसमें जनता ही अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। जो हेड ऑफ स्टेट और बाकी गवर्नमेंट पोजीशन पर हैं लोग, उन्हें जनता चुनेगी, ना कि वो पोजीशन किसी को विरासत में मिलेगी। और भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ, और हमने इस तरह से अपना तय किया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बनने का सफर। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी देश के लिए रिपब्लिक होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।